कुक विद सुमैरा को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको फ्री में मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, कुक विद सुमैरा में वेलकम। आज मैं बना रही हूँ चाइनीज़ राइस। चाइनीज़ राइस के लिए जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है आप नोट कर लें। 500 ग्राम मैंने चावल लिए हैं, इनको बॉयल कर लिया, और 2 अदद मैंने शिमला मिर्च लिए हैं, उसको मैंने काट लिया है। 1 प्याली मैंने बंद गोभी की ली है, और 1/2 प्याली मैंने गाजर ली है, और 4 टेबलस्पून या मीडियम प्याज चॉप कर लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन का चॉप कर लिया। तो इसमें जो स्पाइस आएंगे, 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून चिली सॉस, 2 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर, ये हमने इसको मिक्स कर लिया। 1 टीस्पून नमक या हसबे जायका, स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करें। ये मेरे पास चिकन है और इसकी यखनी है, ये भी मैं डालते हैं। सबसे पहले हम इसमें लहसुन शामिल करेंगे, इसका बहुत शोर मचता है, इसलिए मैंने आज जो है ना ऑयल को गर्म नहीं किया, ठंडे ऑयल में डाल दिया है, वरना इसका इतना शोर होता है, बहुत बुरी आवाज़ लगती है। ये आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो गया पकना। ऑयल मैंने लिया है इसमें 1/2 कप, बस थोड़ा थोड़ा करना है। अब हम इसमें गाजर शामिल करेंगे, थोड़ी सी रेड शिमला मिर्च भी थी, इसमें यखनी और ये चिकन। तेज आंच पे इसको करना है, चावल शामिल कर लेंगे। Mm-hmm.
थोड़ा सा इसको येलो कलर हमने डाला। अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज राइस तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चाइनीज राइस तैयार हैं और आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे बताएं कि कैसे बने। अपनी दुआ में याद रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।